नीरज से सवाल करने आई थी कि जिस दिन मैं उनकी बेटी बनकर उनके घर में गई थी तो मुझे क्या बोल रहे थे, संदीप सिंह ने गलत किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज वही अनिल विज बोल रहे हैं यहाँ बैठ के लोकतंत्र के मंदिर में कि मेट्रो अदालत में है हर दिन 24 घंटे। मुझे हरियाणा पुलिस प्रशासन के लोग दुखी कर रहे हैं, CID ने मुझे पागल करने की इतनी कोशिशें कर रखी हैं। क्या मतलब है इस्तीफा नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे? क्या आप संदेश दे रहे हैं मनोहर खट्टर लाल कि चंडीगढ़ पुलिस जो सबसे रेपुटेड पुलिस मानी जाती है वो बिगड़ने वाले हैं, उसको यहाँ विधानसभा के पवित्र मंदिर में बचाने के लिए सारे BJP के एक लाइन में लगे हुए हैं। जा रहा है, धमकियां दिलाई जा रही हैं हर दिन 24 घंटे। मुझे हरियाणा पुलिस प्रशासन के लोग दुखी कर रहे हैं, CID ने मुझे पागल करने की इतनी कोशिशें कर रखी हैं, हर टाइम फोटो खींचते रहते हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आज अनिल विज के मुंह में जुबान आ गई है। तो आपको मिलने नहीं दिया जा रहा क्या? आप विधानसभा में आए? देखिए मैं यहाँ पे पास लेके परमिशन के तहत मैं आई हूँ, लेकिन पहले वहाँ भी चंडीगढ़ पुलिस ने एंटर नहीं करने दिया। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं अपने देश के कानून पे पूरा विश्वास करती हूँ, मैं कोई ऐसी गतिविधि नहीं करने वाली। कम से कम जो लोग एक इतने बड़े क्रिमिनल को बचाने के लिए लगे हुए हैं वहाँ पे, कि मैटर अदालत में होते हुए भी अदालत की तोहिन करने में लगे पड़े हैं, क्या मतलब है इस्तीफा नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे? क्या आप संदेश दे रहे हैं मनोहर खट्टर लाल कि चंडीगढ़ पुलिस जो सबसे रेपुटेड पुलिस मानी जाती है वो बिगड़ने वाले हैं? उन्होंने गलत चार्जशीट दे दी 8 महीने के बाद, इतनी संगीन धाराओं के तहत उस पर मुकदमा दर्ज है, उसको यहाँ विधानसभा के पवित्र मंदिर में बचाने के लिए सारे BJP के एक लाइन में लगे हुए हैं। तो क्या आप मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं? क्या आप किस लिए आए आज? मैं अनिल विज से सवाल करने आई थी कि जिस दिन मैं उनकी बेटी बनकर उनके घर में गई थी तो मुझे क्या बोल रहे थे, संदीप सिंह ने गलत किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चार्जशीट देने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। आज वही अनिल विज बोल रहे हैं यहाँ बैठ के लोकतंत्र के मंदिर में कि मेट्रो अदालत में है, तो मेट्रो अदालत में तो उसको क्यों नहीं उठा के चार्जशीट में गिल्टी दे रखा है, तो क्यों नहीं उसका इस्तीफा लिया जा रहा है? तो क्या आप इस्तीफे की मांग करने के लिए आए? बिल्कुल बिल्कुल, क्या चल रहा है इस लोकतंत्र के मंदिर में? दिन रात मुझे टॉर्चर किया जा रहा है क्योंकि मेरी आवाज कहीं नहीं उठ रही है, हर हिसाब से मुझे दुखी किया जाता है। तो बींग ए एम्प्लॉय, बींग ए इस देश की नागरिक, एक लड़की एक बेटी हूँ मैं हरियाणा की, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, तो लेकिन कानून में भरोसा रखें। कोर्ट में तो चार्जशीट होगी है ना? बिल्कुल चार्जशीट होगी सर, उसके बाद भी ये लोग नहीं रुक रहे हैं, BJP सरकार का देख लिया, तानाशाही अभी भी चल रही है। तो अभी पास बनवा कर आए कैसे? जी मैं पास बनवा के आई हूँ, अंदर जाने नहीं दे रहे क्या? नहीं, ये यहाँ के लिए विधानसभा के पास के लिए, मैं इनसे, उन्होंने मेरे को कहा सेक्रेटरीट से कि आप अंदर बात कीजिए, इस साइड से पास बनता है, और मैं अंदर से फिर मैं यहाँ आई हूँ, तो यहाँ हरियाणा पुलिस के देखिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।